आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जनपद के मुंशीगंज थाने के अंतर्गत उलरा ग्राम में राजेश यादव प्रधान के बाबा सीताराम पर हमले का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने विद्यालय में सोए हुए थे कि रात को उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सुबह जानकारी प्राप्त होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जाने लगे। जाते समय ही चोटिली सीताराम की जान चली गयी। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मुंशीगंज थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार तहरीर के मुताबिक FIR दर्ज है। मृतक के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को मुंशीगंज चौराहे पर रखकर जाम लगाया तथा SP और DM को मौके पर आने की मांग को लेकर अड़े रहे। आनन फानन में मुंशीगंज चौराहा छावनी में तब्दील हो गया। मुंशीगंज थाना अध्यक्ष के काफी प्रयास के बाद भी मृतक के परिजन नहीं माने और SP को बुलाने की मांग करते रहे। अंत में SP अमेठी राजेश कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के सामने परिजन असले के लाइसेंस और त्योहारों की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया। SP के प्रयास और तीव्र कार्रवाई पर मृतक के परिजन माने और मुंशीगंज चौराहे का जाम हटा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुंशीगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए CO अमेठी पीयूष कांत राय और अमेठी थाना अध्यक्ष DK सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। घटना सर ये कई बार हो चुकी है। परसों 13 तारीख को धमकी भी आई थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मैं कुछ न कुछ करवाऊंगा। उसके बाद में सर घटना सर आज होगी। दादाजी को हमारे सुबह 4:30 बजे मारे। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, स्कूल पे हमारा बन रहा, उसी स्कूल का रंजित की वजह से सर ये घटना हुई है। सर मौके पर सर हमारे दादाजी ने बयान दिया है, 4 लोग जो मौके पर सर मारे थे सर उनका नाम सर वीर बहादुर सिंह। आपने क्या क्या मांग रखी और क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? सर कप्तान साहब ने हमको कहा सर एक पहला नंबर सर लाइसेंस हमको एक मुहैया कराएंगे और उसके बाद में गिरफ्तारी। सर ये प्रकरण ये है कि आज सुबह जैसा FIR इन्होंने दर्शाया है, सुबह 4:30 बजे के लगभग इनका बड़ा ढीन स्कूल था, वहाँ इनके ग्रैंड फादर बाबा सोए हुए थे। तो 4 व्यक्तियों ने लाठी डंडा भक्की से उनको मारा, जिसमें काफ़ी चोट आई। ये लोग दोनों भाई उस समय वहाँ पहुँच गए थे, फिर इन लोगों को देख के वो भाग गए। इनका उपचार के लिए पहले मुसाफिरखाना ले गए, फिर वहाँ से सुल्तानपुर ले गए, जहाँ दौरान इलाज इनकी सूचना पे FIR लिखी गई है। जो नामित व्यक्ति हैं उसमें से एक हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। अभी सब DM होने के बाद जब यहाँ चौराहे पर आया, यहाँ इन्होंने 2-4 मिनट के लिए सौ रखा और इनकी मांग ये थी कि हमें युद्धों की गिरफ्तारी हो, जो कर हमको करना ही है हम करेंगे। और दूसरी मांग ये थी कि हमें लाइसेंस दिलाया जाए, जो भी मनुसार हम इनको प्रदान करें।